बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। कल थोड़ा इंसिडेंट हो गया था मेरे साथ और अभी काफ़ी हद तक बेटर हूँ। बस ये है कि जब जिस्म ठंडा हो या मूव करना हो या खांसी हंसी ज़्यादा आ जाए तो जो दर्द फील होता है, या बाजू जो है वो राइट वाला मूव करना हो तो तब जब ज़्यादा दर्द होती है। बाकी जब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है और वज़न वगैरह मैं नहीं उठा रहा हूँ। तो अभी मैं धूप में आके बैठा हुआ था और वीडियो भी जब मैं प्रॉपर नहीं कैम यूज़ कर पा रहा हूँ। ज़्यादातर जब भैजमत जब मेरी हेल्प कर रहे हैं कैप्चरिंग के अंदर। तो अब जहर सी बात है, बींग अ फैमिली, मुझे पता है कुछ लोगों को जो है वो जेहन में ये सवाल उठ रहे होंगे, अब क्या सूरत हाल है, अब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो इसलिए जो है वो मैंने सोचा आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दी जाए कि इस टाइम सिचुएशन क्या है। तो होप्स हो कि आपने प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखी होगी और आप लोगों का शुक्रिया जिन्होंने जो है वो अभी तक दुआएं दी। मैं कुछ अभी देखे थे कमेंट्स, लेकिन ये कि मैं सबको रिप्लाई नहीं दे सका क्योंकि जो राइट हैंड है वही मसला कर रहा है। तो दरवाज़े जो है वो आगे भी हैं और होप्स हो कि भाई मुदसर आ जाएंगे इंशाल्लाह, और साथ में जो है वो जो मिस्त्री है वो भी आएगा और आज जब दरवाजे लगना शुरू हो जाएंगे। मैं जो है वो नाश्ता नहीं कर सका क्योंकि तबीयत जो बहुत अपसेट है। तो ज़हे नसीब के आज के जो है वो हमारे मेहमान मुदसर भाई हैं, इनसे तो आप यकीनन वाकिफ़ ही होंगे। तो मुदसर भाई, आपका सफ़र कैसा रहा घर से लेके यहाँ तक का? ज़बरदस्त था। वो कुछ चीज़ें चाहिए थी, कम थी, तो हम पहले टाउन गए थे किंगरा। सही, वहाँ से वो चीज़ें पूरी की। हाँ, घंटा डेढ़ घंटा वहाँ पे लग गया। सही, तो मैं आगे पूरी करके फिर वापस। मैं भी आगे बस यही सोच रहा था, मैं क्या लगता है जैसे भाई मेरी तीमारदारी करने आए। नहीं, मुझे नहीं पता था हादसा। वो तो यार रास्ते में आ गया, ये तो यहाँ पे आके पता चला कि हादसा हो गया। वो मतलब मैं तो अपने आप को खुश कर सकता हूँ ना कि मतलब भड़े लोग मेरी तीमारदारी के लिए आए इतनी दूर से। हमारी और मुलाकात भी हमारी पहली मुलाकात है। मुदसर भाई को सही से जो है वो नहीं मिल सका था क्योंकि मेरा ये वाला पोर्शन जो है वो जरा हिला हुआ है। तो खैर मुदसर भाई, इसके लिए माजरत, मैं आपको सही से नहीं मिल सका था। और बाकी ये है कि अपना ख्याल रखें ना जी। बिल्कुल, आगे मैंने इसलिए चादर है सारा कुछ लपेटा हुआ था, वाम रखा हुआ था खुद को। आपका बहुत शुक्रिया आप आए और मुझे तो बहुत अच्छा लगा मुदसर भाई से गपशप करके, बातचीत करके। काफ़ी खुशी खिलाक हैं। और प्लस पॉइंट मुदसर भाई का पहली मुलाकात में जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि मुदसर भाई ने आते साथ मुझे लगा कि हमारी पहली मुलाकात है, कोई खुशगपियाँ नहीं हुई, कोई फ्रैंकनेस नहीं, लेकिन मुदसर भाई ने मुझे बड़े मज़े के आइडियाज़ दिए हैं अबाउट कैप्चरिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनकी खुशी खलाकी और ज़रफ नवाजी है कि वो उन्होंने जो है वो एक चीज़ जो है वो शेयर किया और इलम शेयर किया। अल्लाह ताला जो है वो इनकी इलम में भी बरकत दे। तो मुदसर भाई, आप अभी क्या खाएं पिएंगे? ये तो थैंक यू सर, बस चाय हो गई, बिस्किट हो गए, अमरूद हो गए, लेमन। अमरूद तो वो घर वाली बात है ना। नहीं नहीं, वो मैंने खा इतने लिए ना माशाल्लाह, तो ठीक है, पेट फुल हूँ अभी। बहुत बहुत शुक्रिया, यकीन माना मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा। अगर मुबशर भाई इधर होते यकीन वो भी आते। हाँ, तो ज़्यादा इंजॉय करते हैं हम लोग। लेकिन ये कि चले कोई नहीं, इंशाल्लाह कभी आपसे टूर पे जाएंगे तो फिर हम लॉन्ग टर्म ज़्यादा जाओ इंशाल्लाह इंजॉय। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। तो हमारे जो मोहतरम भड़े भाई हैं वो इस टाइम हमारे कैमरा मैन है। सर प्लीज़ आप भी बीच में आ जाए थोड़ा सा। मेरी तरफ से कह रहा था ये भाई इसमें जो है वो आज कल से जो है मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं कैमरामैन। रात के भी इन्होंने क्लिप्स लिए थे और सुबह की वीडियो भी सारी इन्होंने। ये बहुत बिल्कुल झूठ बोल रहा है, कल से नहीं, हमेशा से हेल्प करता हूँ। ज्यादा कह रहे कल से तो मैं कैंप से इतना सब कर नहीं पा रहा हूँ ना, तो इसलिए कल से कुछ ज्यादा हेल्प हो रही है, तो इसलिए मैं ज्यादा मेंशन कर रहा हूँ। अच्छा, फाइनली जो है वो भाई गाँव से बाहर आ चुके हैं, तभी भाई को जो है वो अल्लाह हाफिज़ करते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ आपको। Okay. आप भी जाएं, आप दूर पे जा रहे हैं? मैं भी घर को जा रहा हूँ। तो अब बाकी का डे देखते हैं कैसा गुजरता है। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो बेटर हो चुका हूँ मैं। दरवाजे जो है वो लगना शुरू हो गए हैं और होप्स हो कि आज जो है वो सारे लग जाएंगे। और आज रात भी जो है वो हो रही है खिदमत हमारी। और अभी आया मेरे लिए हल्दी वाला दूध जो कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ। और मोहम्मद शाह, आप काफ़ी तजस्सुस से पूछ रहे, चाचा ये क्या है? तो पीना है आपने हल्दी वाला दूध जनाब, बीच में देसी घी डाल के, देसी दूध फ्रेश भी और पानी के बगैर भी और केमिकल के भी बगैर। मोहम्मद शाह ने पीना,
हाँ पी लो थोड़ा सा, अच्छा होता है, ताकत वाला होता है। ताकत वाला नहीं होता, ताकत वाला होता है, ताकत वाली तो चीज मक्खन होता है। हाँ तो मक्खन भी इसके अंदर डाला था ना, मक्खन ही है घी, मक्खन एक ही चीज होती है, घी इसी में से निकलता है, दूध से मक्खन, लस्सी दही बनता है ना, दही से फिर लस्सी के ऊपर मक्खन, फिर मक्खन को जब गर्म करते हैं फिर घी बनता है ना। हाँ तो फिर वही साफ हो गया ना इसका। तो जी मैं ज़रा दूध इंजॉय करता हूँ और फिर उसके बाद ज़रा सो जाते हैं। तो जी आज की सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज डेट हुआ है, वीडियो जो मैंने कल मॉर्निंग से शुरू की हुई थी और आज जो है वो मेरी तबीयत काफ़ी हद तक बेटर है। सिर्फ ये जो राइट वाले बाजू का जॉइंट है यहाँ पे हल्का दर्द फील हो रहा है जब मैं मूव करता हूँ, उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर है। तो बहुत शुक्रिया आप सबकी दुआओं का, यकीन माने बहुत दिल खुश हुआ कि आपने इतनी चाहत दी, इतनी दुआएं दी। आप सबको अल्लाह ताला जज़ा दे और मुझे भी अल्लाह ताला जल्दी से सेहत दे। दरवाज़े भी तकरीबन काफ़ी हद तक लग चुके हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपने बुज़ुर्गों का बहुत सारा एहतराम कीजिएगा, बच्चों के साथ बहुत शफ़क़त के साथ पेश आइएगा। और काफ़ी लोग दोस्त जब काफ़ी परेशान हो रहे थे तो ऐसा परेशानी वाली बात नहीं, ज़्यादा नहीं लगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बचा लिया, ज़्यादा नहीं लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ तकरीबन। और थोड़ा बहुत फिर जैसे ही पता बंदा गिरे तो थोड़ी बहुत तो लगती है, तो बाकी इंशाल्लाह जल्दी ये भी कवर हो जाएगी, फिर हम लोग फिर कहीं लॉन्ग टूर पर जाएंगे इंशाल्लाह। बाय, सदा खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।